जो अपने पति की न हुई वो राजस्थान की सीएम है और जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो भारत का पीएम है। चाय से शुरू हुई थी ये सरकार, गाय पे अटक गई, विकास की मम्मी रास्ते में कहीं भटक गई। लड़कियां बाव खा रही हैं, लड़के धोखा खा रहे हैं, पुलिस रिश्वत खा रही है, नेता माल खा रहे हैं, किसान जहर खा रहा है, जवान गोली खा रहा है। कौन कहता है कि भारत भूखा मर रहा है? झाड़ू वाला मुख्यमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री है, 12वीं पास देश की शिक्षा मंत्री है, अंगूठा टेक सरपंच और हम ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले फेसबुक व्हाट्सएप पर ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं। अकेला आदमी परिवर्तन लाता है और शादीशुदा सब्जी लाता है। जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, चाहे बीवी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। बुद्धि का उपयोग करने वाले जापान में 603 किलोमीटर घंटा रफ्तार वाली ट्रेन के बाद 7G की टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं और इंडिया में पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप पर 11 लोगों को ओम नमः शिवाय भेजकर फ्री बैलेंस और चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, और तो और नहीं भेजा तो अप्रिय घटना की चेतावनी और दे देते हैं। अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए, एक मच्छरों के लिए। तकलीफ ये है कि भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। पेट खाली है और योग करवाया जा रहा है, जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है, रहने को घर नहीं और शौचालय बनवाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बन रहा है, कंपनियां सारी विदेशी और मेक इन इंडिया कहा जा रहा है, जाति की गंदगी दिमाग में है और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, आटा इन दिनों महंगा हो रहा है और डाटा इन दिनों सस्ता हो रहा है, सचमुच मेरा भारत देश बदल रहा है। अब खबर मध्य प्रदेश से। भिंड के अटेर में एक हैरत में डालने वाला वाकया सामने आया है। अटेर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर VVPAT यानी वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रायल वाली वोटिंग मशीन का ट्रायल हो रहा था। VVPAT वाली मशीन में वोट डालते हुए एक पर्ची निकलती है जिससे पता चलता है कि आपने किस पार्टी को, किस दल को वोट दिया है। डेमो के दौरान दो अलग अलग बटन दबाए गए लेकिन दोनों ही बार कमल के फूल की पर्ची ही निकली। जब वहां मौजूद मीडिया ने इस पर सवाल उठाया तो मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने गलती मानने की बजाय मीडिया को ही थाने में बिठाने की धमकी दे डाली। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी और इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग भी पहुंचा है। इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी कुछ देर में चुनाव आयोग पहुंचेगा और ये माना जा रहा है कि EVM पर चुनाव आयोग का अपना जवाब 6 बजे के आसपास आ भी सकता है आज ही।